नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर से जापान के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। बीते 18 दिन में दूसरी बार है जब नॉर्थ कोरिया ने जापान पर मिसाइल दागी। 3 सितंबर को ही उसने छठवां न्यूक्लियर टेस्ट यानी कि हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। नॉर्थ कोरिया के जापान पर लगातार मिसाइल दागने से क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। जापान के डिफेंस मिनिस्टर ने पीएम शिंजो आबे से इमरजेंसी मीटिंग की। हाइड्रोजन बम टेस्ट के बाद यूएन ने नॉर्थ कोरिया पर और कड़े बैन लगाए थे। जापान के पीएम शिंजो आबे ने कहा कि नॉर्थ कोरिया की उकसावे की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यूज एजेंसी के मुताबिक साउथ कोरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि नॉर्थ की मिसाइल ने संभवतः 3,700 किलोमीटर की दूरी तय की और वो 770 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई। जैसे ही मिसाइल जापान के ऊपर से निकली, होकाइडो आइलैंड के दक्षिणी हिस्से केप एरिमो में लाउडस्पीकर पर अनाउंस किया गया। अमेरिकी पैसिफिक कमांड ने कंफर्म किया कि नॉर्थ की ये मिसाइल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी, लेकिन इससे अमेरिका या फिर प्रशांत महासागर में यूएस टेरिटरी गुआम को कोई खतरा नहीं है। हालांकि इस क्षेत्र में तनाव जरूर बढ़ सकता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के जोसेफ डेम्सी ने कहा कि नॉर्थ की इस मिसाइल ने अब तक की सबसे ज्यादा दूरी तय की है। टीम इंडिलिंक्स।